की बात करें तो ग्वालियर पे क्या एक्शन लिया जाता है, ये बात तो देखने वाली बात होगी। उमरिया की बात करें तो लगातार हिंसा की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या एक्शन लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, उमरिया की अगर बात करें तो हिंसा की स्थिति कैसे बनी, विस्तार से बताइए, यहाँ की क्या कुछ एक्शन लिया गया, ये भी जानकारी चाहते हैं आपसे। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कल सवेरे से ही यहाँ पे कटनी और जबलपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया था। काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे जिसकी वजह से वहां पर जाम की स्थिति थी, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। और जब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने जाम खुलवाने की कोशिश की, उन्हें समझाइश भी दी, लेकिन आंदोलनकारी उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस के साथ में मारपीट की। एडिशनल SP, TI, SDOP सहित कम से कम एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुछ उमरिया में जिनका इलाज चल रहा है तो कुछ लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है जिनकी हालत गंभीर है। बिल्कुल रवि, जिस तरह की घटना सामने आई है वाकई में कई सवालों को यहाँ पर जन्म दे रही है, खबर में नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोपीच की घटना को भी अंजाम दिया है, SDOP, SI समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पुलिस वालों के साथ मारपीट की जा रही है, बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से ना सिर्फ जाम लगाया बल्कि जबलपुर शाहपुरा रोड में जाम के साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, तस्वीरें आप देखिए घायल पुलिसकर्मियों की, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने SDOP और SI के साथ मारपीट की। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बताया जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, और किस तरह से पुलिस वालों के साथ मारपीट की जा रही है ये भी तस्वीरें सामने आई है। उमरिया की ये घटना है जहां पर कार्यकर्ताओं ने कटनी रोड पर ना सिर्फ जाम लगाया बल्कि जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं, उमरिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से SDOP SI सहित कई पुलिसकर्मियों को घायल कार्यकर्ताओं ने कर दिया और उसके बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है और उसके बाद कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि SDOP और SI भी इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें एक्सक्लूसिवली आपको नजर आएगा कि कैसे पुलिस वालों को घेर के यहाँ पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस मारपीट की घटना में SI और SDOP सहित कई पुलिसकर्मी घायल हैं। कटनी रोड पर ये जाम लगाया गया था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये जाम था, ये प्रदर्शन था, जिसे रोकने के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंची, समझाइश के लिए पुलिस पहुंची, तो पुलिस वालों के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। SDOP और SI समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कटनी रोड पर ये जाम लगा हुआ था, जबलपुर शाहपुरा रोड को भी जाम किया गया था और जब पुलिस बल यहां पर पहुंची, पुलिस बल ने प्रदर्शन करने से रोका तो किस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता उग्र होते नजर आए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, किसी तरह से पुलिस वाले वहां से जान बचाकर भागे और कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी कैद हुई हैं, वीडियो में कैद हुआ है ये पूरा मामला जो है, किस तरह से पुलिस वालों के साथ मारपीट करते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिसमें SDOP और SI के साथ ही कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये तस्वीर आप देखिए, घायल पुलिसकर्मियों को इसके बाद बाकी के सहयोगियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, ये दुखद है।